सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैंडमेड वर्सेस मशीन मेड मसाला अगरबत्ती के बारे में, और दोनों का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हैंडमेड और मशीन मेड में जो है कितना अंतर होता है। क्वालिटी का भी अंतर होता है, प्राइस का भी अंतर होता है, और जो है इसमें फ्रेग्रेंस का भी थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और जानने की कोशिश करेंगे कि हैंडमेड अगरबत्ती जो है इतनी महंगी क्यों होती हैं, और हमारा मशीन मेड मसाला अगरबत्तियां जो है बजट फ्रेंडली होती हैं। सो फिर वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। जैसा कि आप जानते होंगे, जिस तरीके से मार्केट साइज बड़ा होते जा रहा है अगरबत्ती इंडस्ट्री में और अगरबत्ती बिजनेस में बेसिकली, उसी तरीके से हमारी जो पहले की समय पे जो मसाला अगरबत्ती बनती थी हैंडमेड, जिसका काफ़ी अच्छा नाम होता था, और वो है धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म हो जा रही है। इसका बड़ा कारण क्या है, और इसी चीज़ को जो है लोग कन्वर्ट करके ले आए हैं मशीन मेड में, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो मसाला अगरबत्ती प्रोडक्शन होती है वो मशीन मेड होती है। सो फिर सबसे पहले दोनों का एक बेसिक अंतर या फिर डिफरेंस हम जान लेते हैं। जैसे कि ये है अपने पास एक हैंडमेड एक ब्रांड की अगरबत्ती, जो कि ये सामने मैंने रखी हुई है, जो कि मैसूर सैंडल के नाम से है, और ये मेरे ख्याल से फ्लोरिस फ्रैग्रेंस ऐसा इस ब्रांड का नाम है, और इनका ये प्रोडक्ट है मैसूर सैंडल, मैसूर सैंडल किंग लिखा हुआ है। सो फिर स्टिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये है, आपको दिख रही होंगी, पूरी तरीके से हैंडमेड से रोल किया गया है, जहाँ पे स्टिक कुछ इस तरीके से पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपको थोड़ा पतला दिखेगा, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे तो थोड़ी सी मसाला जो है ज़्यादा कोटिंग की हुई दिखेंगी, उसके बाद देन ये फिर से पतला हो गया। मतलब एक बराबर शेप में ये नहीं है, कभी कोई जगह पर ज़्यादा मसाला लगी हुई, किसी जगह पर कम मसाला लगी हुई है। सो कुछ इस तरीके से हैंडमेड आपको देखने को मिलेगा, और इसमें पाउडर की बहुत अच्छी कोडिंग जो है की हुई है। फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है, मैसूर सैंडल के नाम से ये जो है प्रोडक्ट है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये है हमारे पास मशीन मेड से बनी हुई अगरबत्ती, जो कि है हमारे पास मैसूर सैंडल का ही प्रोडक्ट है, और इसका आप मशीन मेड की मसाला अगरबत्ती आप देखोगे सो फिर यहाँ से आपको दिखेगी थोड़ी सी फिनिशिंग प्रोडक्ट दिखेगी, क्योंकि मशीन से बनी हुई है। और इसका मिनिमम जो लेंथ है, मतलब मोटाई एक तरीके से मैं बोलूँ डायमीटर जिसको बोलते हैं, तो वो 3.2 से अधिकतम ये बनाई गई है, और ये भी मैसूर सैंडल ही है फ्रेग्रेंस में। ये भी काफ़ी अच्छा है, एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारा, जो कि मशीन मेड बनी हुई है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि दोनों में क्वालिटी का क्या अंतर होता है। जैसे कि पहले अब हम लोग हैंडमेड के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में हैंडमेड अगरबत्तियां बननी इतनी कम क्यों हो गई, और काफ़ी सारे जो कंपनीज है वो मशीन मेड में ही काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। सो इसका सबसे बड़ा कारण आप देखोगे तो इसका प्रोडक्शन ही होता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो पुराने समय पर जो है अगरबत्तियाँ हैंडमेड से की जाती थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस टाइम मशीनरी नहीं थी, कुछ टेक्नोलॉजी की कमी थी, इसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई जाती थी। जिस तरीके से कुछ वीडियोस में आपने देखी होंगी, सो वहाँ पे कुछ महिलाओं को मसाला दे दिया जाता था, फिर वो अपने घर में उसको हैंड रोल करके वापस जिस कंपनी से मसाला प्रीमिक्स है, जो रॉ मटेरियल है वो लेती थी, फिर बना के फिर उसी कंपनी को जिससे जिनका उनका काम चलता था वहाँ रिटर्न कर देती थी। सो कुछ इस तरीके से एक महिलाओं का समूह भी होता था, तो उस समूहों के जरिए से मसाला अगरबत्तियाँ बनाई जाती थी, जो कि हैंडमेड होती थी। ज़्यादातर आप महिलाओं को ये काम आप करते देखे होंगे, तो ये हैंडमेड की कहानी थी। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ कि हैंडमेड का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है। सपोज़ एक महिला को अगर आप हैंडमेड करने के लिए बैठा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 से 10 kg का प्रोडक्शन ही कर पाती हैं। चीज़ क्या है, लेबर कॉस्ट अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़ी हुई है, तो हैंडमेड में क्या है, एक तो प्रोडक्शन कम होती थी, ऊपर से उनको चार्जेस जो लेबर की मजदूरी है वो उतनी देनी ही पड़ जाती थी, तो एक तरीके से कॉस्ट जो है मसाला अगरबत्ती का बढ़ जाता था, और इसके वजह से जो है इसका प्राइस काफ़ी हाइक हो जाता था।
अभी के टाइम में इसी हैंडमेड का मैं प्राइस आपको बताने की कोशिश करूं, सो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये ब्रांड की अगरबत्तियाँ हैं जो कि है मैसूर सैंडल किंग, और ये फ्लोरिस ब्रांड का है, जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा। पैकेजिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव पैकेजिंग की हुई है। ये बैक बॉक्स पैकिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देन अपन जो है ये खोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से और एक कार्टन बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग देखने को मिलेगी। सो कुछ इस तरीके से इसी तरीके की जो अगरबत्तियाँ हैं ये इसमें पैकिंग की हुई है। देन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका प्राइस हम जानते हैं, जो कि हैंडमेड में प्राइस का कितना अंतर होता है मशीन मेड और हैंडमेड में। सो यहाँ पे आप प्राइस आपको देखने को मिलेगी 45 ग्राम की इसमें अगरबत्ती पैकिंग की हुई है, और इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। मतलब ये एक बॉक्स आपको मिलेगा 45 ग्राम का 150 रुपए में। अभी हालांकि ये मेरे ख्याल से मार्केट में बिकता होगा 25% अगर हम MRP प्राइस से घटा दिया जाए तो 120 रुपए 130 रुपए में तो बिकेगा ही। अब सोचिए 120 रुपए 130 रुपए में आपको ये मिल रहा है खाली 45 ग्राम। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हैंडमेड में प्रोडक्शन कम होता है, हालांकि इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हैंडमेड की क्वालिटी थोड़ी अलग ही होती है, लेकिन प्राइस में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अंतर है। अगर इसी को अगर आप 1 kg का प्राइस में डिवाइड करो सो ये लगभग 2000 से ऊपर की प्राइसिंग ये चली जाएंगी, जो कि किलो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किलो में इसी को आप 25 ग्राम को अगर 130 रुपये का किलो पड़ रहा है, अगर बॉक्स का छोड़ दिया जाए 100 रुपये ही मानो, अगर 25 रुपीज़ की ये बॉक्स होगी तो 100 रुपये kg की ये आ रही है। बाकी अदर कॉस्ट इधर उधर करके और थोड़ा माइनस कर लिया जाए सो भी ये लगभग 2000 किलो की ये अगरबत्तियाँ जो है पड़ रही हैं, जो कि हैंडमेड है। हालांकि क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और इसी बीच अगर हम अगरबत्ती मशीन मेड की बात करें तो इसकी कॉस्ट आपको मात्र मिलेगी लगभग अभी के टाइम पे मैसूर सैंडल, जो कि हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसकी प्राइसिंग है 320 रुपये, मात्र 320 रुपये। और मैसूर सैंडल वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा, हमारे मशाला अगरबत्ती सीरीज में सबसे पहला नाम आता है मैसूर सैंडल का, इतने को मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर क्वालिटी, सो क्वालिटी में दोनों के इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट रेडी किया जा रहा है, कोई अगरबत्तियाँ बन रही हैं हैंडमेड से, तो उसका जो प्रीमिक्स है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है या मसाला है वो एकदम स्मूथ होता है। और कंपनियां अलग अलग तरह की अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए, क्वालिटी अच्छी देने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ जो है की जाती है, फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी प्रोडक्ट जो है महंगा हो ही जाता है। और मशीन मेड में बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मशीन से प्रोडक्शन की जाती है। अब मशीन में एवरेज कोई भी महिला चला रही है मशीन, या फिर कोई भी चला रहा होगा जो ऑपरेटर है, सो फिर लगभग मैं बोलूँ तो 30 से लेकर 40 kg तो वो आराम से बना ही लेगा। सो इसके वजह से जो है कॉस्ट जो है मशीन मेड में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस में जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके वजह से लोग जो है मशीन मेड में कन्वर्ट हो गए हैं, और हालांकि हैंडमेड बनने की वजह से काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार भी छूट गया। पहले के टाइम पे आप हर एक घर में एक अगरबत्ती हैंडमेड करने का काम होता था, जो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनका रोज़गार एंड टाइम पे छीन गया। और आगे का टाइम मेरे ख्याल से हैंडमेड में अभी मैं बोलूँ तो 100% में 20% ही कुछ कंपनियाँ हैंडमेड से बनाती हैं, और बाकी जो है आपका आप जानते हो कि मशीन मेड में ही काम होते आ रहा है। सो फिर यही था, क्वालिटी में थोड़ा बेसिक अंतर आपको देखने को मिला, और मशीन मेड हैंडमेड का जो छोटा सा डिफरेंस था, जो कि मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया कि हैंडमेड में आखिर क्या चीज़ें चेंजेस आती हैं, और मशीन मेड जो अगरबत्तियाँ होती हैं उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सो यही था। उसके बाद जो है काफ़ी सारे कस्टमर का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई आप हैंडमेड क्यों नहीं रखते, मसाला अगरबत्ती में हैंडमेड की भी काफ़ी सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती हैं। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हैंडमेड अगरबत्तियां जो है कॉस्ट में बैठती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती हैं, और इसके वजह से कस्टमर्स को भी इसे बेचने में या छोटी पैकेजिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आगे भी उन्हें सेल आउट करना होता है। अब इसके वजह से जो है हैंडमेड हम लोग अभी के टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और
मशीन मेड में भी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी है, चाहो तो आप इससे भी काम कर सकते हो। काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं हमारे पास मशाला की 24 लगभग फ्रेगनेंस की रेंज है, अलग अलग प्राइसिंग में है सारी चीज़ें। सो फिर अगर आपको मशाला अगरबत्ती से कोई भी इंक्वायरीज हो या रिक्वायरमेंट हो या फिर बेसिक डिटेल आपको जानना हो, सो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और बेसिक डिटेल वहाँ से आप जान सकते हो। सो यही था एक छोटा सा डिफरेंस जिसे मैं आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, और इसका मशाला अगरबत्ती से रिलेटेड कंप्लीट पैकेजिंग का वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की पैकेजिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे, रोल पैकिंग्स का, जार पैकिंग्स का, या ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग जो होती हैं उसका पैकेजिंग का आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।